हाव आर यू आई होप यू आर आर गुड स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ट्रायंगल. ओके सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रायंगल. व्हाट इज़ ट्रायंगल एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ओके सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास सो बच्चों ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के बारे में सभी बच्चों को पता है कि क्या होता है ट्रायंगल आपने थर्ड क्लास तक पढ़ा है अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको देखते ये बोल सकते हैं कि ये जो एक एक क्लोज फिगर होती है ठीक है होती है ना ये चारों तीनों तरफ से बंद है सेकंड थिंग अगर आपको इस इसके साइड्स पूछे जाएं तो आप कहेंगे वन टू थ्री इसके थ्री साइड्स होते हैं ओके okay, अगर वर्टिस की बात करें कि कितने वर्टेक्स और कॉर्नर हैं तो वन टू एंड थ्री इसके थ्री कॉर्नर्स हैं अब एंगल की बात करें बच्चों तो एंगल जिसे हम बोलते हैं वो आपको जैसे कि मैंने अपने कल जो प्रीवियस वीडियो बनाया था तो ये देखिए ये एक एंगल है इधर तो एक एंगल इसका ये है फिर अगर आप इस लाइन एंड इस लाइन का देखेंगे तो ये एक एंगल है एंड नेक्स्ट इस लाइन का और इस लाइन का हम देखेंगे तो ये एक एंगल है तो इसके थ्री एंगल हैं सो ट्राइंगल इज़ अ क्लोज फिगर हैविंग थ्री साइड्स थ्री एंगल्स एंड थ्री कॉर्नर्स ओके तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं अगर आपसे नेम पूछा जाए तो देखिए ट्रायंगल का क्या नाम है सबसे पहले ए बी सी तो सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल बन रहा है इसमें तो साइन लगाएंगे ट्रायंगल का ए बी सी नेक्स्ट सा ट्रायंगल है देखिए देखिए अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो सी बी नहीं ए सी बी देखिए ए सी बी तो हमने यहाँ से पढ़ा था तो ए बी सी ऐसे आया सेकेंड ए सी बी और थर्ड जो ट्रायंगल होगा उसको हम पढ़ सकते हैं सी ए बी ओके अब इसकी वर्टिसेस की बात की जाए तो देखिए कोने कितने कोने हैं इसमें थ्री तो एक दो तीन थ्री है ना तो हम वर्टिसेस को कॉर्नर भी बोलते हैं तो कॉर्नर जब भी हम मेंशन करते हैं और पॉइंट को आप ज्योमेट्री में जब भी मेंशन करेंगे तो आप कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे ये हमने पहले भी जो है समझा था ठीक है तो पहला कॉर्नर इसका ए सेकेंड कॉर्नर बी एंड थर्ड है सी तो अब साइड्स की बात की जाए तो कितनी साइड्स हैं थ्री तो ए बी एक साइड हो गई सेकेंड ए सी या आप बोल सकते हैं ए बी बी सी एंड सी ए और ठीक है तो ये तीन थ्री साइड्स हो गई और थर्ड है एंगल अगर आप एंगल की बात करें बच्चों तो ध्यान से देखिएगा एंगल का साइन होता है ये कल आपको जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था एंगल के बारे में तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था जब भी आप अगर आप ए सी इस तरीके से एंगल को बता रहे हैं तो जिसका जो आप इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपका सेंटर में आएगा ए बी सी हम इसको एंगल बी भी बोलते हैं ओके इस तरीके से एंगल बी भी बोल सकते हैं और सेकंड जब हम दूसरा एंगल बताएंगे तो सेकंड एंगल हमारा है यहाँ पर देखिए बी सी ए तो सी इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये सेंटर में आएगा एंगल बी सी ए तो हम इसको लिखेंगे एंगल सी ठीक है नेक्स्ट एंगल कौन सा है अब हमारा जो हमने पहले यहाँ से पढ़ा था ए बी सी फिर हमने पढ़ा बी सी ए अब हमारा कौन सा अब बीच में हमको ए लाना ना तो ये बी ए सी या सी ए बी तो आप एंगल लिखेंगे बी ए सी एंगल ए भी हम इसको मेंशन करते हैं ठीक है तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी अभी आपका जो है सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है जो आपका फोर्थ क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल तो ट्रायंगल को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है ओके तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राएंगल की हम बात करें तो साइड्स एंड एंगल टू टाइप से हम इसको क्लासीफाइड करते हैं हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एंगल के बारे में पढ़ा था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दे तो राइट एंगल अ एंगल और ट्यूस एंगल ये हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है वहाँ पर तो आप इसे देख लीजिएगा सेकेंड थिंग हम साइड्स के बारे साइड्स के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल को आ, समझें तो फर्स्ट हमारा जो ट्राइंगल होता है वो होता है इक्विलेटर ट्राइंगल ईसो स्केल्स ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल सो so, अब हम इसको जो है देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट है इक्विलेटर ट्राएंगल ईसो स्केस ट्राएंगल एंड स्केल एंड ट्राएंगल अब हम इसको जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझेंगे ओके okay? सो so, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की बच्चों कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ भी आएगा तो सबसे पहले डेफिनेशन इक्विलेटर ट्राएंगल की है तो लिखा है ए ट्राएंगल विद ऑल थ्री साइड्स ऑफ इक्वल इन लेंथ कॉल इक्वेटर ट्रायंगल यानी जो ट्रायंगल तीनों जिसकी जिस ट्रायंगल की, की तीनों साइड इक्वल हो ठीक है उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल कहते हैं नाम से ही पता चला है इक्विलेटरल यानी इक्वल तो फाइव सेंटीमीटर की एक साइड है सेकंड भी फाइव सेंटीमीटर की है एंड थर्ड भी फाइव सेंटीमीटर की है, है ना इजी अगर आपसे पूछा जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है तो इजी लैंग्वेज में आप आंसर देंगे कि जिसकी थ्री तीनों साइड्स थ्री साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं लेंथ में उसको आप इक्विलेटर बोलते हैं सेकंड है ईसो स्किल्स ट्राइंगल ईसो स्किल्स ट्राइंगल बच्चों वो होता है अल्ट्रा एंगल विथ टू इक्वल साइड्स कॉल्ड ईशो स्किल्स ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं वो ईशो स्किल्स होता है यानी तीसरी साइड क्या है अलग है वो कोई सी भी हो सकती है इधर वाली या इधर वाली तो दो साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए अगर आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं अगर उसकी दोनों साइड इक्वल हैं और एक अलग है तो वो ईशो स्किल्स होगा है ना इजी थर्ड हम पढ़ेंगे स्केलन ट्राइंगल स्केलन जो ट्राइंगल होता है बच्चों इसका जो डेफिनेशन है वो है एक ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ यानी जो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग साइज़ की होती हैं या आप जब ड्रॉ करते हैं तीनों का जो नाप है जो जो आप सेंटीमीटर से लाइन ड्रॉ करेंगे वो अलग होंगी इसकी सेवन सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर तो तीनों जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है वो अलग है ठीक है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल स्केलन होता है ओके बच्चों तो साइड्स के अकॉर्डिंग भी हमने ट्राइंगल को डिस्कस कर लिया है एंड अकॉर्डिंग टू एंगल भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा कल मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ टेक केयर ऑफ़ यू बाय